अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज CTS का और एक टेस्ट था, तो मैं केमिस्ट्री पोर्शन की इंट्रैक्शन करूंगा आपके सामने। पेपर जस्ट मतलब NCERT में पूरा 100% NCERT बेस्ड था। न्यूमेरिकल्स कुछ थे तो वो न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल थे, कैलकुलेशन बहुत इजी थी। हाँ थोड़ी सी ट्रिकी, एक दो सवाल में कैलकुलेशन में थोड़ा सा मतलब ट्रिकी कैलकुलेशन थी, लेकिन उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन पार्ट नहीं था। बाकी 100% जो है NCERT बेस्ड था। और रही बात एसर्शन रीज़न की, जो आप लोगों ने बोला था, एसर्शन रीज़न सवाल नहीं आए थे, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आए थे इस साल। तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल वही होते हैं जो सर लिखाता है, जो यहाँ पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, वही स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। लाइक वो स्टेटमेंट वन लिखेगा, शाबाश दिस फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन लिखेगा स्टेटमेंट वन, तो मैंने उसी सवाल को ऐसे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हाँ तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको वैसे ही लग मतलब चाहिए कि स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू। एंड रही बात पेपर की, पेपर बिल्कुल NCERT बेस्ड था और इतना मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ कि इस जो आप लोग एग्जाम दे रहे हो, इस एग्जाम के बाहर कभी नीट में पेपर आ ही नहीं सकता है। हाँ 80 to 90% ऑलमोस्ट मैच हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ फिर 10% कैलकुलेशन यहाँ वहाँ की होगी या सवाल यहाँ वहाँ का होगा, क्योंकि सारे सवाल जो है 45 क्वेश्चंस में दो चैप्टर्स इंक्लूड करने हैं, तो कोई टॉपिक यहाँ वहाँ का छूट जाता है। लेकिन मैक्सिमम टॉपिक जहाँ से सवाल आते हैं उन्हीं पे सिट्रस दिया गया है और बहुत मेहनत से पेपर बनाया गया है। यह ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के पेपर बनाए, ये पहले मुझे पूरा एक हफ्ता लगता है पेपर बनाने में, मुझे पर डे 2 सवाल 3 सवाल, हाँ कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैं बुक से उठाता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो थेरेटिकल सवाल होते हैं वो मैं NCERT खुद पढ़ के खुद NCERT से क्वेश्चंस मतलब फ्रेम करता हूँ। अब रही बात मतलब इंट्रैक्शन की, हम पहला सवाल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है हमारा वो है द यूनिट ऑफ वंडरवॉल्स कॉन्स्टेंट बी इज, वंडरवॉल्स कॉन्स्टेंट बी का यूनिट क्या होता है। तो अगर आप लोगों को पता है कि वंडरवॉल्स कॉन्स्टेंट बी जो है ये वॉल्यूम करेक्शन में आता है और मेरी वॉल्यूम करेक्शन जो होती है वो होती है NB, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो वो बी जो आएगा वो आएगा वॉल्यूम करेक्शन डिवाइडेड बाई एन। तो वॉल्यूम करेक्शन का लीटर, एन का मोल, तो इसका सीधे आंसर आएगा लीटर पर मोल। या तो आप ऐसे बोलोगे या तो आप ऐसे बोलोगे कि हम पूरी वंडरवॉल्स इक्वेशन लिखेंगे P+AN² / V² × V - NB इज इक्वल टू NRT। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो जो V का यूनिट होगा वही NB का यूनिट भी होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ V का यूनिट एंड NB का यूनिट सेम होगा, तो V का यूनिट होता है लीटर, N का यूनिट होता है मोल, इंटू आ जाएगा B, तो B जो आएगा यहाँ पे उसका यूनिट जो आएगा वो आएगा लीटर पर मोल। तो लीटर पर मोल इसका डायरेक्टली आंसर है। Moving to the next one. The correct relation between Boyle's temperature and van der Waals constant is directly theory-based सवाल है, theoretical सवाल है। van der Waals मतलब ये van der Waals constant and Boyle's temperature में क्या relation है, तो आप लोग directly पढ़ते हो TA is equal to A upon RB। तो हम तीन temperatures पढ़ते हैं, A upon RB। हम तीन टेम्परेचर्स पढ़ते हैं, एक हम क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ते हैं, दूसरा इन्वर्जन टेम्परेचर पढ़ते हैं, तीसरा बॉयल्स टेम्परेचर पढ़ते हैं। तो ये होता है 8A upon 27 RB, ये होता है 2A upon RB, एंड बॉयल्स टेम्परेचर जो होता है ये होता है A upon RB। तो ये तीन टेम्परेचर्स में मतलब ये तीन टेम्परेचर्स एंड वंडरवॉल्स कॉन्स्टेंट के बीच में रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। हाँ इन्वर्जन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि NCERT ने कहीं पे मेंशन नहीं किया है तो ये, लेकिन बॉयल्स टेम्परेचर मेंशन किया गया है, क्रिटिकल टेम्परेचर मेंशन किया गया है, ये दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो सीधे A upon RB। शाबाश, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 48 47, 46, 47, 48। SI यूनिट ऑफ कोफिशेंट ऑफ मतलब विस्कोसिटी इज, विस्कोसिटी कोफिशेंट इज। तो डायरेक्टली NCERT अगर आप खोलोगे तो NCERT पे डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, जब विस्कोसिटी ऑफ लास्ट टॉपिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज विस्कोसिटी, डायरेक्टली खोलोगे वहाँ पे ये लिखा है वेलोसिटी सब कुछ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DU/DZ, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो एफ इज इक्वल टू A DU/DZ, तो A प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद कोफिशेंट
कोफिशेंट आता है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एनसीईआरटी ने लिखा है, आप यूनिट यहाँ से डायरेक्टली डिराइव कर सकते हो, आप यूनिट डायरेक्टली डिराइव कर सकते हो, तो हम लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है विस्कोसिटी कोफिशेंट इज द फोर्स व्हेन वेलोसिटी कुछ जो भी लिखा है, दस विस्कोसिटी कोफिशेंट इज द मेजर ऑफ विस्कोसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशेंट इज 1 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, दैट इज न्यूटन सेकेंड मीटर माइनस टू इसका यूनिट है। और इसका सीजीएस यूनिट भी यहीं पे दिया गया है, जिसको हम पॉइस बोलते हैं। तो सीजीएस यूनिट इसका क्या है, पॉइस। या आप डायरेक्टली अगर आपके पास, अगर आपको इक्वेशन पता थी, आपको पता है एफ का यूनिट होता है न्यूटन, एटा को रखेंगे ऐसे ही, ए का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ऊपर है डीयू बाय डीजेड, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय डीजेड, डीजेड का यूनिट होता है मीटर, तो एक मीटर एंड एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सीधे बनेगा शाबाश, क्या बन जाएगा शाबाश मीटर। तो अब ईटा आ जाएगा, तो ईटा का वैल्यू आ जाएगा न्यूटन, मीटर उस साइड बनेगा मीटर माइनस टू, सेकेंड उस टाइम उस साइड बनेगा सेकेंड, तो आ गया न्यूटन सेकेंड मीटर माइनस टू, न्यूटन सेकेंड मीटर माइनस टू, न्यूटन सेकेंड मीटर माइनस टू, ये इसका यूनिट होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, हाँ, रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एनसीईआरटी पे ये गिवन है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, दैट इज 1 पॉइंट शायद 1:1.128:1.224, लेकिन मैंने उससे सिंपल सवाल, और ये सवाल आपको मिलेगा भी बुक्स में, ये सिंपल सवाल है, एवरेज मोस्ट प्रोबेबल की फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2RT/m, और इज टू एवरेज, एवरेज की फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 8π RT/m, इज टू शाबाश हो, इज टू क्या है अंडर रूट ऑफ शाबाश RMS वेलोसिटी की फॉर्मूला है √3RT/m। अब मुझे बोला गया है एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है फॉर ए गैस, गैस भी सेम है, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, गैस सेम मतलब मोलर मास सेम, टेम्परेचर वहीं से कॉन्स्टेंट है, तो RT/m कैंसिल हो जाएगा, तो हम सीधे लिखेंगे √2:√8π/√3, ये आपका आंसर होगा √2:√8π/√3। When equal masses of carbon dioxide, carbon monoxide, अच्छा सवाल है, conceptual, थोड़ा सा conceptual सवाल है, carbon monoxide, ammonia and oxygen are taken in a closed container, then partial pressure of which gas will be maximum? तो पार्शियल प्रेशर जो होता है उसकी फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ आप लोगों ने पढ़ी है, ये होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। तो अब यहाँ पे मुझे पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। अब मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जितने नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ गैस। ये मैं क्लास में स्टेटमेंट लिखाता हूं, जितने मोल्स ऑफ द गैस ज्यादा होंगे उतना पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ज्यादा होगा, क्योंकि उतना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। अब शॉर्ट में मुझे गिवन है इक्वल मास, इक्वल मोल्स नहीं बोला गया, अगर इक्वल मास इक्वल मोल्स बोला गया, अगर दो चीजों के मोल्स सेम होंगे उनका पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा, लेकिन इक्वल मास बोला गया है, एक मेरा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 एंड O2। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम सबों का इक्वल मास लेंगे, ये भी x ग्राम्स, ये भी x ग्राम्स, ये भी x ग्राम्स एंड ये भी x ग्राम्स, लेकिन मुझे चाहिए मोल्स, जिसके मोल्स ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा, तो इसके मोल्स आ जाएंगे x डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका 44, x डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका 28, 12+16 = 28, x डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका 17, x डिवाइडेड बाय मोलर मास इसका 32। अब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, x बाय 44, x बाय 28, x बाय 17, x बाय 32, तो x बाय 17 डिनोमिनेटर इसका छोटा है, न्यूमरेटर सबों का सेम, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा, तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है NH3 के, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा इसका आंसर जो आएगा वो आएगा NH3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन,
ए 50 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू 45 डिग्री सेल्सियस अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर देन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी वैसा. तो मुझे बोला गया है ऑक्सीजन गैस है उसके 50 ml है जो पहले थे 27 डिग्री सेल्सियस पे उसको मैंने हीट किया टू 45 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर चेंज हुआ. ओबियस है टेम्परेचर चेंज हुआ तो वॉल्यूम को भी चेंज होना है और टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन होती है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. लेकिन मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, मैं आपको बार बार बोलता था कि एक इक्वेशन याद रख लो जिससे हर कोई सवाल आपको याद ही नहीं रखना है कि लॉ कौन सा है कौन सा नहीं है. P1V1/N1T1=P2V2/N2T2. तो नंबर ऑफ मोल्स की जिक्र नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा और यहां पर प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट ऊपर प्रेशर की कोई बात नहीं हो रही है तो प्रेशर भी कैंसिल करेंगे. तो V1 गिवन है 50, आप देख लो इसी को आप कैलकुलेशन टफ बोलते हो. V1 गिवन है 50, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 300 केल्विन इज इक्वल टू V2 निकालना है अपॉन टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तो 273+45 केल्विन में निकालो तो यह आएगा 8, यह आएगा 11, यह आएगा 3, तो यह आएगा 318 केल्विन. अब V2 निकालना है 0 and 0 कैंसल, 5 1s are 5 6s are, तो V2 जो निकलेगा वो निकलेगा उस साइड है 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे 318 से तो 6 1s are 6 5s are 30 6 3s are 18 तो डायरेक्टली आंसर 53 ml. नेक्स्ट वन 52. इफ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ए क्लोज सिलेंडर इज 4.1 atm एट 127 डिग्री सेल्सियस देन द डेंसिटी ऑफ द गैस इज, डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी डायरेक्टली डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा है PM जो होता है, PM किसके बराबर होता है, PM होता है किसके बराबर, DRT. तो इसका मतलब है D का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, PM डिवाइडेड बाय RT. अब डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो, डेंसिटी मुझे निकालनी है, प्रेशर मुझे गिवन है 4.1 atm इनटू मोलर मास, मोलर मास मुझे गिवन है शबाश, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 डिवाइडेड बाय r, r का वैल्यू जब प्रेशर atm में है तो 0.0821 जिसको मैंने बोला था हम लिया करेंगे 8 × 10⁻², क्योंकि वो भी 0.08 होता है तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, इंटू टी, टी गिवन है मेरा टेम्परेचर, मुझे गिवन है 127 डिग्री सेल्सियस तो जब आप इसको 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 400. तो 400 को हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻², तो 4 × 10⁻², 10⁻², 10⁻², कैंसल, तो जब 4 × 10⁻², कैंसल, तो 400 में बचा ओनली 4, ये 4 एंड ये 4 ऑलमोस्ट कैंसल होगा बिकॉज 4.1/4 इज 1.0 something, तो दैट इज ऑलमोस्ट 1, तो ये आ जाएगा 8 1s are 8 4s are, तो सीधे बचा ओनली 4, द आंसर is 4 grams per liter. The answer is 4 grams per liter. अब अगर यूनिट भी अगर आपको देखना है आप यूनिट भी देख सकते हो शबाश, वैसा पी का यूनिट होता है एटीएम, इसका मोलर मास का ग्राम्स पर मोल, आर का यूनिट होता है लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, एंड टेम्परेचर का यूनिट था केल्विन, केल्विन केल्विन इनवर्स कैंसल, मोल इनवर्स कैंसल, एटीएम एटीएम कैंसल, तो यूनिट बचा ग्राम्स पर लीटर, तो वही 4 grams. ऑल दो यूनिट्स के साथ कुछ लेना देना नहीं था, यूनिट सब उनके सेम थे. द मास रेशियो ऑफ टू गैसेस ए एंड बी which are mixed in a container so that they cause same partial pressure, अच्छा सवाल है. मोलर मास ऑफ ए एंड बी आर 23 and 46, which cause मतलब क्या मैं माना, so that they cause same partial pressure. तो partial pressure दोनों gases का होना चाहिए same. तो मैंने बोला दो gases का partial pressure तब same होता है जब उनके number of moles भी क्या होंगे same. तो अगर दोनों का partial pressure same है तो since PA is equal to PB मैं directly बोल सकता हूं NA is equal to NB. आप directly बोल सकते हो NA is equal to NB.
एन ए, क्यों? क्योंकि पी ए इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, एंड पी बी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, दिस एंड दिस विल गो, दिस एंड दिस विल गो. तो एन ए इक्वल टू एन बी. आप डायरेक्टली मैंने बोला है कि दो गैसेज का पार्शल प्रेशर तब सेम होता है जब के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम. अब अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो अब मुझे गिवन है इक्वल मास. तो अब मास मेरे पास गिवन है ए एंड बी दोनों का मास सेम है तो ये आएगा एक्स, ए बी सपोज एक्स ग्राम्स, तो ये है मास, ये है मास. अगर मैं आपको बोलूंगा मोल्स निकालो तो मोल्स आ जाएंगे ए के एक्स बाई मोलर मास, ए का गिवन है 23 इस इक्वल टू, यहां सीधे एक्स अपॉन इसका मोलर मास गिवन है 46. मैं बोल सकता हूं यहां सीधे एक्स एक्स अपॉन शवाश मास रेशो, मास इक्वल नहीं गिवन दिया है मुझे, मास रेशो निकालना है तो सही है. तो ये ए गिवन है, ये बी गिवन है, इसका मास लिखेंगे एम ए, इसका मास लिखेंगे एम बी, क्योंकि मास रेशो निकालना है, इक्वल मास मैंने पढ़ा था, मास रेशो निकालना है. तो यहाँ पे एम ए, यहाँ पे एम बी, तो मोल्स जो होंगे वो होंगे एम ए अपॉन, ए का मोलर मास होता है 23, एम बी अपॉन बी का मोलर मास है 46. तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एम ए अपॉन 23 is equal to mb upon 46. तो मुझे दोनों का a and b का मास रेशो निकालना है, तो ma upon mb आ जाएगा नीचे, ये 23 जाएगा ऊपर, 23 by 46, this one's, this two's, तो मास रेशो आएगा 1/2, that is 1:2. 53 के बाद 54, Which among the following gases has the highest critical temperature? तो मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि आप बस A का order याद रख लो, क्योंकि TC होता है 8A upon 27 RB. मैंने बोला था उससे भी हमारा काम चलेगा, अगर आप A का value याद रखोगे, जिसका A ज़्यादा उसका critical temperature generally ज़्यादा होता है. असल में critical temperature depend करता है A by B ratio पे, लेकिन मैंने बोला था कि आप बस याद रख लो, क्योंकि NCERT ने जो gases दिए हैं जिनका A ज़्यादा है उनका critical temperature भी ज़्यादा है. तो अब ए, अगर आप ऑर्डर देखोगे, सबसे ज्यादा ए होता है NH3 का. लेकिन अगर हम सवाल देखेंगे, ये NCERT पे सीधे टेबल 5.4 बनाया है, 149 है पुरानी NCERT के हिसाब से पेज नंबर, नई NCERT के हिसाब से प्लस माइनस हो सकता है, 152 153 ऐसा कुछ हो सकता है. NH3 मुझे बोलो सर, सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर ये है, क्रिटिकल टेम्परेचर इन केल्विन, तो मुझे बोलो इनमें शाबाश सबसे ज्यादा ये है N2, ये है N2 का, ये है O2, ये है O2 का, ये है CO2, ये है CO2 का, और ये है NH3. N2 का 126, इसका 154 point something, इसका 304, इसका 405.5. तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है, NH3 का सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है. क्वेश्चन नंबर 54, इसके बाद 55. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ये होता है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, जिसमें मैं, जिसको मैं ऐसे भी बोल सकता था, मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं, चार ऑप्शंस लिखे हैं, इसे तो कम से कम चार कॉन्सेप्ट क्लियर, चार पॉइंट्स याद रहेंगे, वैसे दो पॉइंट्स याद रहेंगे. मैं स्टेटमेंट बेस्ड सवाल इसमें ऐसे बना सकता हूं, स्टेटमेंट 1, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू KTG. स्टेटमेंट 2 ये लिखता, नीचे ऑप्शन लिखता स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स, या 1 इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, या सेकंड इज ट्रू फर्स्ट इज फॉल्स. मैं ऑप्शन खुद से बना सकता था. दिस सवाल एंड स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आइडेंटिकल है, कोई डिफरेंस नहीं है. शवाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सही स्टेटमेंट है. पार्टिकल्स ऑफ ए गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. पार्टिकल्स ऑफ ए गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन स्ट्रेट लाइंस, ये भी सही स्टेटमेंट है. और उसके बाद मैं पूरा पेज तो नहीं लिख सकता था, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है, मैंने बस गलत वाला ऑप्शन, इनकरेक्ट वाला ऑप्शन यहां पे लिखा है. कोलिजन्स ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक नहीं, वो इलास्टिक होते हैं, क्योंकि पॉइंट सीधे लिखा है, कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, दिस मीन्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम, देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, देयर इंडिविजुअल एनर्जीज मे चेंज,
बट द सम ऑफ देयर एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट. इफ देयर वायर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल स्टॉप एंड गैसेज विल सेटल डाउन. दिस इज कॉन्ट्रारी टू वॉट इज एक्चुअली ऑब्जर्व. तो हम बोलते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो मतलब हमेशा कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक होती है. तो अगर मतलब कोलिजन्स इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, अगर कोलिजन्स इन इलास्टिक नॉन इलास्टिक होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती तो फाइनली मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं, वो रेस्ट में आते हैं, जो नहीं होता है. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, शाबाश मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स जो के बीच में जो कोलिजन्स होते हैं वो प्योरली इलास्टिक होते हैं. 55 इसके बाद 56. The temperature at which a real gas obeys ideal gas law or an appreciable range of pressure is called critical temperature. नहीं absolute temperature तो बोलते हैं, temperature in Kelvin ये भी नहीं. critical temperature का मतलब है वो temperature जिसके ऊपर एक गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, जिसके नीचे एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं. या इन्वर्जन टेम्परेचर में बोलते हैं वो टेम्परेचर जो मतलब अबो या बिलो. आप बोलते हो कि ऑन एक्सपेंशन शोज हीटिंग, ऑन एक्सपेंशन शोज को कूलिंग, जो भी आप बोलते हो मुझे कुछ नहीं है, मुझे अभी मेरा काम टोटल बॉइल्ड टेम्परेचर्स के है. ये डायरेक्टली एनसीईआरटी पे ये लाइन लिखी है, द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस ओबेज आइडियल गैस ला और एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट. अब एक पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, बॉयल पॉइंट ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर. यानी क्या, अलग अलग गैसेस का अलग अलग बॉयल पॉइंट होता है. इसके बाद अप्लॉट ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर फॉर ए गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस, ये पता है. द प्लॉट्स एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रेशर आर शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर. वैसा अगर आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी का ग्राफ उठा के लाया है. बस एक चीज है, एनसीईआरटी ने ये ग्राफ एक्सप्लेन किया है विद टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मैंने केल्विन लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप लोगों को पता होता होगा वी इज इक्वल टू के टी चार्ल्स ला है, के जो है ये चार्ल्स ला कांस्टेंट है, और के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, बट के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी. तो ये मैंने लिया है वाई एक्सिस पे, टेम्परेचर मैंने लिया है एक्स एक्सिस पे. तो ये आएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स, जहां पे स्लोप का वैल्यू होगा के. तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन. अब इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेशर कौन सा ज्यादा होगा, P1, P2, P3 के P4. तो मुझे पता है सबसे ज्यादा स्लोप है P1 की, इसका K, इसकी स्लोप ज्यादा, दैट इज इसका K ज्यादा होगा. लेकिन K और P में इनवर्स रिलेशन है, जिसका K ज्यादा उसका प्रेशर होगा कम, यानी कि इस हिसाब से P1 जो होगा वो होगा कम, और P2 की स्लोप कम है तो स्लोप कम, K कम, P ज्यादा. P3 सबसे कम स्लोप है P4 की, तो इसका K सबसे कम, जिसका K सबसे कम उसका प्रेशर सबसे ज्यादा. या तो ऐसे, या तो मैंने बोला था डायरेक्टली हम एक लाइन ऐसे प्लॉट ड्रा करेंगे, तो हम देखेंगे इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम. तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है इस वाले प्रेशर का, P1 का, जिसका वॉल्यूम ज्यादा. अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P एंड V में इनवर्स रिलेशन है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका प्रेशर कम. तो इसका वॉल्यूम ज्यादा, ये प्रेशर कम, इसका वॉल्यूम सबसे कम तो ये प्रेशर सबसे ज्यादा. तो P1 लेस देन, P2 लेस देन, बिल्कुल P1, P2, P3, P4. तो ऑर्डर क्या है, P1 लेस देन, P2 लेस देन, P3 लेस देन, P4. 57 के बाद 58, द वैकेंट स्पेस इन एफसीसी यूनिट सेल इज. तो पैकिंग एफिशिएंसी आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल एनसीईआरटी पे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी लिख के है, कितना होता है 74%, यानी कि 74% ऑक्यूपाइड स्पेस है. तो अनऑक्यूपाइड कितना होगा, अनऑक्यूपाइड जिसको आप शाबाश एमपीटी भी बोलते हो, तो आएगा 100 - 74 बचेगा 26%. तो इसका मतलब है परसेंटेज अनऑक्यूपाइड स्पेस या स्पेस जो है दैट इज 26%.
गैसेस पोजेस कैरेक्टरिस्टिक क्रिटिकल टेम्परेचर विच डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल्स. विच डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल्स. गुड. फॉलोइंग आर द क्रिटिकल टेम्परेचर्स ऑफ सम ऑफ द गैसेज. तो क्रिटिकल टेम्परेचर मुझे गिवन है. हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर ये, हीलियम का ये, ऑक्सीजन का ये और नाइट्रोजन का ये. फ्रॉम द अबो डेटा वट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द लिक्विफैक्शन ऑफ दीज गैसेज. अगर आपको याद होगा मैंने बोला है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो गैस पहले लिक्विफाई होगा, वो गैस ज्यादा लिक्विफाई होगा, वो गैस ज्यादा टाइम तक लिक्विफाई होगा. पहले या ज्यादा टाइम तक या उस गैस को लिक्विफाई करना इजी है. यानी कि मैंने बोला लिक्विफैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर. ये मैंने बोला है क्लास में, बोला है क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, या मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ. सपोज फॉर एग्जांपल ये गैस ए है, ये गैस बी है, तो मुझे बोलना है शवाश स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्डर लिक्विफाइंग फर्स्ट, पहले कौन सा लिक्विफाई होगा. तो सपोज इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है सपोज 100, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 200. अब क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं होगा, जिसके नीचे एक गैस लिक्विफाई होगा. तो सपोज मेरे पास टेम्परेचर है 500 केल्विन, तो क्या 500 पे ए लिक्विफाई होगा? नहीं. क्या 500 पे बी लिक्विफाई होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि ए का क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने माना 100, बी का 200, तो 500 पे ना ए लिक्विफाई होगा ना बी लिक्विफाई होगा. अब मैं 500 से थोड़ा कम करूंगा 400 केल्विन, क्या ए लिक्विफाई होगा? नहीं. क्या बी लिक्विफाई होगा? नहीं, क्योंकि ये टेम्परेचर भी दोनों के क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है. अब मैं सपोज तीसरा टेम्परेचर लूंगा और कम करूंगा 200, तो 200 पे ए नहीं होगा लेकिन बी हो जाएगा. तो कौन सा पहले लिक्विफाई हुआ? ए के बी, बी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा वो गैस पहले लिक्विफाई होता है. तो वही मैंने बोला कि लिक्विफैक्शन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर. वो पहले लिक्विफाई होता है, उसको लिक्विफाई करना ईजी है, वो ज्यादा मतलब देर तक लिक्विफाई होगा. तो अब यहां पर सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द गैस लिक्विफाइंग फर्स्ट, जो पहले लिक्विफाई होगा, पहले कौन लिक्विफाई होगा? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा वो किसका है? O2 का. तो O2 आएगा पहले, दूसरा आएगा फिर N2, इसका 126, तीसरा आएगा H2 एंड चौथा जो आएगा वो आएगा HE. तो O2 फिर N2 फिर H2 फिर HE. तो ऑप्शन 4 इसका आंसर है. 59 के बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 60 पे. Which curve in figure represents the curve for an ideal gas? Which curve in figure represents the curve of ideal gas? Ideal gas की कौन सी curve है? अगर आप लोगों को दे, ये एक तो कहीं कुछ है नहीं, तो सब कुछ जो है वो यहाँ पे, अगर आप लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा ये मैंने बोला है अंडर, इसमें तीन प्रेशर zones आते हैं, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर या वेरी लो प्रेशर, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर एंड हाई प्रेशर. तो ये इसको छोड़ो, तो मुझे पता है शाबाश ये जो है ये हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है जो ऑलवेज पॉजिटिव डिवेशन दिखाते हैं, ये बाकी रियल गैसेज है जो पहले नेगेटिव दिखाते हैं फिर पॉजिटिव दिखाते हैं. लेकिन आइडियल गैस में पीवी जो होता है, फॉर वन मोल पीवी होता है आरटी के बराबर. तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मुझे पता है पीवी का वैल्यू जो होता है वो होता है कांस्टेंट. तो पीवी वर्सेस पी, तो मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूं, टेम्परेचर को छेड़ नहीं रहा हूं. तो पीवी वर्सेस पी ग्राफ जो आएगा वो आएगा कांस्टेंट. तो कांस्टेंट ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो बी ओनली, जैसे यहां पे लिखा है ये आइडियल गैस है, ये हीलियम, ये हाइड्रोजन, ये CH4, ये CO, डायरेक्टली ग्राफ उठा के वहां पे लिखा था. तो इसका मतलब है कौन सा आइडियल गैस है? बी. सो द आंसर इज बी ओनली. 61. वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल ऑफ ए गैस एट 1 एटीएम प्रेशर. डायरेक्टली सवाल है. अगर आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगी होगी तो आप लोगों में प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि 1 एटीएम प्रेशर एंड 273 केल्विन एसटीपी होता है. तो एसटीपी पे एक मोल का वॉल्यूम जो होता है, एक मोल का वॉल्यूम होता है सीधे 22.4. तो मुझे एक का नहीं निकालना है, आधे मोल का निकालना है. तो आधे मोल का कितना होगा? 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो वो सीधे आएगा 11.2. सो द आंसर विल बी 11.2 लीटर्स. एक मोल का 22.4, आधे मोल का आधा, दैट इज 22.4 का आधा इज 11.2. या आप डायरेक्टली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो. तो यहां से आप वी निकालोगे किसके बराबर आएगा? एनआरटी डिवाइडेड बाई पी. अब एन का वैल्यू मुझे गिवन है 0.5 इंटू आर. अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो 0.083821 इंटू टेम्परेचर 273 डिवाइडेड बाई प्रेशर गिवन है 1 एटीएम. आप इसको सॉल्व करोगे, यहां से भी सेम आंसर आ जाएगा.
62। अच्छा, सबसे अच्छा सवाल, ये आप लोगों ने देखा भी होगा क्योंकि ये बुक्स पे सवाल है, ये वाला सवाल। वैसा सवाल है क्या? सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर प्लॉट्स रिप्रेजेंट बिहेवियर ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। यानी कि वहीं से एन का वैल्यू गिवन है वन, वहीं से पी का वैल्यू गिवन है 1 atm। अब n भी गिवन है, p भी गिवन है, तो मुझे अगर आप लोगों ने देखा होगा यहाँ भी 273, 273, 273, 273, 273, यहाँ पे भी केल्विन 373, 373, 373, 373। तो इसका मतलब है मुझे दो टेम्परेचर गिवन है हर एक ग्राफ में। तो पहले ग्राफ में t का वैल्यू गिवन है 273, दूसरे ग्राफ में मतलब पहले पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे गिवन है 373, लेकिन n का वैल्यू सिटल 1, p का वैल्यू सिटल 1। हम यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम, मोल एक, एक एटीएम 273 होता है एसटीपी, तो सीधे वॉल्यूम आएगा 22.4, या आप यूज कर सकते हो अगेन पीवी इज इक्वल एनआरटी, तो अब वी का वैल्यू आएगा एनआरटी अपॉन पी, तो ये डायरेक्टली आएगा 22.4। तो इसका मतलब है पहला जो होगा वो 22.4 होगा, तो ये वाला पहले ही बाहर चला गया, यहां भी 22.4, यहां भी 22.4, यहां भी 22.4। अब दूसरा वॉल्यूम निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो वन ही रह रहा है, प्रेशर तो वन ही रह रहा है, लेकिन टेम्परेचर ओनली चेंज हो रहा है 373, तो वी अगेन आएगा किसके बराबर, एन आर टी डिवाइडेड बाई पी, एन का वैल्यू होगा 1, आर का वैल्यू मैं अप्रोक्सीमेट लिखूंगा 8 × 10⁻²⁻³ × 373 अपॉन ये होगा 1, तो ये सीधे आ जाएगा 8 × 373 × 10⁻², तो 8 × 3 = 24, 8 × 7 = 56 + 2 = 58, 8 × 3 = 24, 24 + 5 = 29 × 10⁻², तो ये 29 जो अप्रोक्सीमेटली आएगा 30। अब ये गिवन है 38, ये गिवन है 28, ये गिवन है 30, सो आंसर आ जाएगा 30.6, तो इसका सीधे ऑप्शन सी आएगा। अब आप बोलोगे सर 29.8 के क्लोज तो 28.6 भी है, देखो ये 8 नहीं 8.21 एग्जैक्टली होता है 8.21 × 10⁻², तो 8 से स्लाइटली बड़ा, तो आंसर 29.84 से स्लाइटली बड़ा आ जाएगा, तो स्लाइटली बड़ा मतलब 30 ही आ जाएगा, 28 कम तो नहीं आएगा, या आप एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर लो वहां से भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया, 63। सी द फिगर, द वॉल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर ओपन साइमल्टेनियसली, द वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl विल फर्स्ट फॉर्म एट, वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl, मैंने आपको बोला था अगर आपको कुछ समझ में ना आए इस वाले सवाल में, जहां पे आप वो देखोगे कि वाइट कलर अपियर हुआ, रेड कलर अपियर हुआ, ये अपियर हुआ या फ्यूम्स अपियर हुए, जो भी लिखा होगा, तो इसका मतलब है वहां पे दो गैसेस डेफिनेटली आपस में मिल गए हैं। तो एक साइड से NH3, इसका मोलर मास है 17, दूसरे साइड से HCl जिसका मोलर मास है 65, तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ जिसका मोलर मास कम वो तेज चलेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका ज्यादा होगा, तो मोलर मास इसका कम तो ये चलेगा तेज, इसका मोलर मास ज्यादा ये चलेगा स्लो, क्या ये बीच में मिलेंगे? नहीं। क्या ये यहां पे मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये NH3 तेज चलेगा, तो मिलेंगे कहां पे? सी पे, तो इसका मतलब है व्हाइट फ्यूम्स ऑफ विल फर्स्ट अपीयर एट पॉइंट सी। मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल, That is question number 64. A gas at 350 Kelvin, ये भी अगर आप लोगों ने कोई भी बुक सॉल्व की है, ये बुक के तो ये सवाल भी आपको मैक्सिमम बुक्स पे मिलेगा। A gas at 350 Kelvin and 15 bar has molar volume 20% smaller, molar volume 20% smaller than that of an ideal gas. तो 20 कुछ नहीं है, V real का value है V ideal से कम, तो जड़ का वैल्यू होता है सीधे v रियल अपॉन v आइडियल, तो इसका मतलब है जब v रियल, तो इसका मतलब है ना v रियल अपॉन v आइडियल निकलेगा लेस देन 1, तो इसका मतलब है जड़ का वैल्यू जो है, जड़ का वैल्यू निकलेगा लेस देन 1, और मैं बार बार कहता था जड़ लेस देन 1 मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट, लिक्विफैक्शन इज ईजी, द गैस इज मतलब मोर कंप्रेसिबल, एंड इस डिवेशन को हम बोलते हैं नेगेटिव डिवेशन, तो यहाँ पे ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेज, जड़ लेस देन 1 एंड अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डोमिनेंट। इसके बाद
65. Which of the following graphs represents Boyle's law? P versus V तो आता है, rectangular hyperbola ये गलत है. हाँ, अगर इसने 1 by V लिखा होता तब ये सही था, लेकिन इसने V लिखा है तो गलत है. तो ये V versus P, again same graph, गलत है. ये भी rectangular hyperbola आएगा. अब PV versus V या PV versus P graph, तो PV मुझे पता है PV का value according to Boyle's law constant होता है. तो आप PV versus P draw करो या PV versus V draw करो, कॉन्स्टेंट का मतलब है ये ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा. तो आंसर जो है दैट इज पी वी वर्सेस वी का ग्राफ आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस. 65, 66. 50 ml each of gas A and gas B takes 150 and 200 seconds respectively for effusing through a pinhole under the similar conditions. If molecular mass of gas B is 36, then the molecular mass of A is. तो मुझे पता है जब भी diffusion का सवाल आएगा मैं लिखूंगा R A upon R B किसके बराबर, under root of M B divided by M A, under root of M B divided by M A. तो R A volume time के form में given है, तो R A के बदले लिखेंगे V A अपॉन टी ए, आर बी के बदले लिखेंगे वी बी अपॉन टी बी, किसके बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ एम बी, मोलर मास ऑफ बी गिवन है 36 अपॉन एम ए जो मुझे निकालना है. अब मुझे एक बात बोलो, वी ए, वी ए का वैल्यू गिवन है 50 ml each of gas A and gas B. तो VA भी given है 50, V मतलब मैं लिखूंगा 50 upon, शाबाश, इसका टाइम जो लिखा है वो लिखा है 150, और इसका भी each 50 ml each, तो इसका मतलब है ये भी 150 divided by ये आएगा 200 is equal to सीधे root 36 divided by MA. तो 50 and 50 cancel, तो ये आ जाएगा 1 upon 150 into 200 upon 1, इसको reciprocal होगा, is equal to root 36 divided by MA. तो 0 and 0, 5 threes are and 5 fours are. तो 4 by 3 आ जाएगा root 36 upon MA. तो root को खत्म करेंगे क्योंकि मुझे MA निकालना है, तो squaring on both sides. तो squaring करेंगे तो यह आएगा 16 by 9, यह आएगा 36 divided by MA. तो MA को जब हम इस side लेंगे तो MA का value आ जाएगा 36 into 9 divided by 16. तो 4 fours are, 4 nines are, 9 9 are 81 divided by 4, 4 2s are 8, 0, तो ये बनेगा 4 2s are 8, 4 5s are, तो ये आएगा 20.25, तो exact answer इसका होगा 20.25. शाबाश. 67. A bubble of air is under water at temperature 15 degree Celsius. A bubble of air is under water, तो ये suppose है water. A bubble of air is under water at 15 degree Celsius and शबाश pressure यहां पे given है 1.5 bar. If the bubble rises to the surface, where the temperature it rises to the surface, so it is obvious that इसका volume slightly बढ़ा होगा. क्यों? क्योंकि surface पे pressure कम, underwater pressure ज़्यादा, ये हम case पढ़ चुके हैं, bubble rising from a pool of liquid. तो ऊपर जो है इसका ऊपर जो है pressure कम होगा, तो obvious volume ज़्यादा होगा, तो ऊपर ये slightly बड़ा होगा. तो ऊपर temperature given है कितना, 25 degree Celsius, and ऊपर pressure जो given है वो given है 1 bar. तो ऊपर को हम बोलेंगे T2 V2, यहां पे हम बोलेंगे T1 P1 given है, ये प्रेशर given है. अब मुझे क्या बोल रहा है इसके बाद मुझे बोल रहा है what will happen to the bubble, volume of the bubble को क्या होगा जब ये ऊपर चढ़ेगा. तो एक चीज तो कंफर्म है कि ऊपर जाके volume of the bubble जो है वो बड़ा बन जाता है, greater बन जाता है. the volume of the bubble increases when it rises to the surface. तो अब इसके बाद क्या है, अब सीधे अब volume, यहां का volume अगर हम V1 मानेंगे, यहां का volume V2 मानेंगे, तो मैं सीधे यूज करूंगा P1 V1 upon N1 T1 is equal to P2 V2 upon N2 T2. Simple. So N1 and N2 cancel. So P1
पी वन मैंने नीचे वाले प्रेशर को बोला है, तो पी वन इज 1.5, वी वन मुझे नहीं पता, टी वन इज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस को जब हम कैलविन में कन्वर्ट करेंगे यह आएगा 273 प्लस 15 वो आएगा 288, तो यह आएगा 288 कैलविन इज इक्वल टू पी टू, पी टू ऊपर है 1 बार एंड पी टू वी टू मुझे नहीं पता, टी टू ऊपर है 298 क्योंकि वो 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको कैलविन में कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा 298। अब मुझे बोलो मैं यहां पे V2 लिखूंगा इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 288 इनटू आ जाएगा 298 इनटू आ जाएगा V1। अब यहां पे कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे, देखो 280 इसके बाद लगती है अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, अगर आप यहां पे कैलकुलेशन से डर रहे हो यहां पे लगेगी अप्रोक्सीमेट। तो एक चीज तो कंफर्म है, दिस वन पॉइंट समथिंग सर, तो इसका मतलब है V2 जो आएगा वो आएगा 1.5 इंटू 1 point something टाइम्स V1, तो आंसर 1.5 से बड़ा होगा, तो आप 1.55 बोलो, 1.58 बोलो, 1.6 बोलो, आप मुझे बोलो शबा ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ेंगे, द वॉल्यूम विल बिकम बाय अ फैक्टर ग्रेटर 1.1 तो गलत है सर। क्यों गलत है? क्योंकि V2 निकलेगा 1.5 इंटू समथिंग, तो वो 1.5 से ज्यादा होगा, तो 1.5 से कम कभी V2 का वॉल्यूम जो होगा ऊपर वाला वॉल्यूम, ऊपर वाले बबल का वॉल्यूम जो होगा वो 1.5 टाइम से ज्यादा होगा, तो 1.1 गलत, स्मॉलर की तो बात ही नहीं है, इट विल बिकम ग्रेटर बाय अ फैक्टर ऑफ 2.5। अब 1.5 इंटू 1 point something जो होगा ये ऑलमोस्ट 1.6 ही आना है, 2.5 भी इसका आंसर नहीं हो सकता है, अगर आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन देखोगे तो ये ऑब्वियस है कि ये 1.6 आ जाएगा, अदरवाइज आपको डायरेक्टली यहां पे कैलकुलेट करना है कितने टाइम्स आ जाएगा, तो इट्स ऑब्वियस कि ये 1.6 टाइम्स आ जाएगा, 1.5 समथिंग आ जाएगा, तो दैट इज मोर क्लोज टू 1.6। 68 A mixture of N2 and argon gases in a cylinder contains 7 grams of N2 and 8 grams of argon. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, then the partial pressure of N2 will be. So, mujhe partial pressure of N2 nikalna hai. So, mujhe pata hai, according to Dalton's law, partial pressure of N2 jo hoga, wo hoga mole fraction of N2 into total pressure. Aur total pressure mujhe given hai kitna? 27 bar. So, mera next step jo hai, wo hai mole fraction nikal. अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? शबाश, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो एक ही तो फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन की, यहां पे क्योंकि मास गिवन है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, मास गिवन है 7, तो 7 अपॉन N2 का मोलर मास 28, तो यह आएगा 7 अपॉन 28 प्लस आ जाएगा इसका मास गिवन है 8 अपॉन 40, इसका मोलर मास होगा आर्गन का 40, तो 1,000, 4,000, 1,000, 4,000, शबाश, ये कितना आ जाएगा 1,000, 5,000, तो ये आएगा ऊपर 1/4, नीचे आएगा 1/4 प्लस 1/5, 5 into 1 is 5 प्लस 4 upon 5, 4,000 is 20, तो ये आ जाएगा ऊपर 1/4, नीचे आ जाएगा 20 divided by 5 plus 4 is 9, तो 4 1,000, 4 5,000, तो ये आ जाएगा 5/9, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ गया 5/9, तो 5/9 into 27, 9 ones 9 threes, 5 threes are is 15, तो इसका मतलब है इसका पार्शियल प्रेशर जो आएगा वो आएगा 15 बार। शाबाश। द पैकिंग फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 68 हो गया, 69. The packing fraction in two-dimensional square closed packing, square packing structure is. Two-dimensional packing में packing fraction निकालना है. हम generally जो पढ़ते हैं, हम packing efficiency या packing fraction पढ़ते हैं three-dimensional cases में, जिसमें आप बोलते हो formula Z into 4/3πr³/a³ for all cubic unit cells. Whereas Z is number of, effective number of atoms per unit cell. लेकिन यहाँ पे two-dimensional है. तो टू डायमेंशनल में हम क्या बोलते हैं, वहां पे हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वहां पे हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल या डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ द एटम्स कितना होगा, जेड इंटू एक एटम का 4/3πr³। अब इफेक्टिवली अगर जेड है तो जेड इंटू 4/3πr³ डिवाइडेड बाय यूनिट सेल, अगर क्यूबिक है तो ए क्यूब जनरली ये, लेकिन टू डायमेंशनल में हम सीधे बोलते हैं एरिया ऑफ एटम्स, इफेक्टिव एरिया ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई ए टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल, टोटल एरिया
टोटल एरिया। अब मुझे बोलो टोटल एरिया जो है क्यूबिक ये स्क्वायर मतलब स्क्वायर पैकिंग स्ट्रक्चर में, तो टोटल एरिया है एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो इसकी शाबाश इसकी ये वन है 2R, लेंथ इसकी मतलब शाबाश वेथ भी 2R है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया जो होगा अगर ये रेक्टेंगल होता तो लेंथ इंटू ब्रेड तब भी 2R × 2R आएगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसका होगा लेंथ स्क्वायर या साइड स्क्वायर दैट इज 2R का स्क्वायर दैट इज 2R × 2R, तो एक तो नीचे आएगा 2R × 2R। अब एरिया ऑफ द एटम्स, लेकिन इफेक्टिव एरिया जो इस यूनिट सेल में आ जाएगा जो इस स्क्वायर में आ जाएगा, तो स्क्वायर में इसका आ गया 1/4, इसका आ गया 1/4, इसका आ गया 1/4, इसका आ गया 1/4, तो 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, तो इसका मतलब है टोटल जो बनेगा, टोटल अगर आप बनाओगे तो ये एक सर्कल बनेगा, तो सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2R × 2R, एरिया इफेक्टिव एरिया डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, वहां पे इफेक्टिव वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, यहां पे एरिया ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट, तो यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, वहां पे Z × 4/3 πr³ लिखते हो तो यहां पे एरिया ऑफ एटम्स आ जाएगा Z × 4/3 πr³, वॉल्यूम है πr² जो है, πr² जो है वो एरिया है, एंड टोटल एरिया स्क्वायर का होगा साइड स्क्वायर L², तो L² है 2R, क्योंकि ये लेंथ गिवन है 2R, ये लेंथ गिवन है 2R, तो 2R × 2R πr². अब z इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो 1/4 × 4, क्योंकि टोटल 4 है, हर एक का 1/4 पार्ट है, 4 और 4 कैंसिल, वो आएगा 1, तो आप फॉर्मूला से भी लिख सकते हो 1 × πr² डिवाइडेड बाय 2R × 2R। 70. If the edge length of the unit cell of a metal which forms BCC is, तो edge length is A, A का value given है 300 picometer, then the radius is, तो अगर आप लोगों को पता है शबाश BCC में कौन से atoms होते हैं in contact, एक तो corner वाले atoms और दूसरा body diagonal atom, तो ये R, ये R, ये 2R, ये R, तो यहाँ पे 4R का value जो होता है और body diagonal का value, मतलब जब आप body diagonal निकालते हो तो वो आता है √3a, तो R का वैल्यू होता है √3a/4। फेस डायगोनल की लेंथ होती है √2a, बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3a, और शबाश एज लेंथ होता है a, तो बॉडी डायगोनल है √3a, लेकिन अगर आप देखोगे ऐसे आएगा r, 2r, r, 4r, 4r, r का वैल्यू आएगा √3a/2, तो r सीधे आएगा √3/4 × a, a आएगा 300, तो सीधे आ जाएगा शबाशो √3 का वैल्यू आएगा 1.732/4 × 300 अपॉन 4 × 300। अब सीधे यहां पे हम लिखेंगे 4 × 1 = 4, 0. यहां पहले सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 4, ये आ जाएगा 6, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 3 × 1 = 3 + 2 = 5, और आ जाएंगे 2 0 3 के बाद पॉइंट डिवाइडेड बाय 4, तो आप डायरेक्टली इसको 520 अप्रोक्सीमेटली मानोगे डिवाइडेड बाय 4, 4 × 1 = 4, 3 = 4, तो 130 के आसपास आंसर होगा, 130 के आसपास 129.9 ये इसका आंसर होगा। 71. In the unit cell BCC lets the atoms are in contact with each other. R, कौन से atoms are in contact with each other? अभी तो BCC पढ़ रहे थे, तो BCC आप room assume कर लो, तो BCC में corner atoms are not. अब BCC में कहां कहां पे होते हैं? Corners में होते हैं और एक body center में होता है. तो कौन से atoms are in contact? एक corner वाला, एक body center वाला और यहां पे. तभी तो हम R उसका in इसका बीच वाले का 2R और नीचे वाले corner का R, वही तो हम R plus 2 R plus R 4R लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे directly the atoms which are in contact are along the body diagonal, along the body diagonal. इसके बाद 71 के बाद 72, which of the following is diamagnetic? इस ये वो वाला पार्ट है जिसको हम जनरली इग्नोर करते हैं जब मुझे सॉलिड स्टेट का एग्जाम, लेकिन यहां से सवाल आता है, यहां से सवाल आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहां से एक नहीं 3 सवाल डाले थे, हर एक में मैंने ऑलमोस्ट सवाल डाला था अगर आप ये देखोगे तो, मुझे डायमैग्नेटिक में भी, फेरोमैग्नेटिक में भी, फेरी मैग्नेटिक में भी 3 में मैंने सवाल डाला था, तो तीनों एनसीईआरटी बेस्ड थे। विच ऑफ द
बोलेंगे डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिज्म आप खुद से पढ़ना, और एक बार क्योंकि आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, हमारे पास टाइम कम है अभी। तो डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस आर वीकली रिपेयर्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और एग्जाम्पल देखो एनसीईआरटी ने लिखी है वाटर NaCl एंड C6H6। तो अब मैंने इसमें से NaCl ऑप्शन में डाला था, सो द करेक्ट आंसर इज NaCl। 73% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय Zn2 पॉजिटिव आयंस। तो जिंक ब्लड का स्ट्रक्चर, जिंक में दो स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं, वर्टसाइट एंड जिंक ब्लेंड, ज्यादा स्टेबल जिंक ब्लेंड होता है तो उसको रहने देते हैं। तो Zn(S) में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, Zn(S) जो है आयनिक क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, जैसे रॉक सॉल्ट NaCl का पढ़ते हैं, फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड का पढ़ते हैं, मतलब NaF2 का पढ़ Na2 मतलब CaF2 का पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं Zn(S) का पढ़ते हैं, Zn(S) के Na2O का पढ़ते हैं, Zn(S) का पढ़ते हैं, तो कुछ CsCl इंपॉर्टेंट CsCl का पढ़ते हैं, उसी को मैं याद कर रहा था। अब यहाँ पे Zn(S) है तो S2 नेगेटिव जो है, S2 नेगेटिव फॉर्म्स FCC, फॉर्म्स FCC या CCP क्लोज पैकिंग। और उसके बाद जो Zn2 पॉजिटिव है, इट इज प्रेजेंट एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब ये पूरे टेट्रा, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक। तो क्या ये 100% टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है? नहीं। तो कितने परसेंट? 50%। तो अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के एक, तो एक नहीं दूसरा, तीसरा नहीं चौथा, तो चार में दो, पांचवा नहीं सिक्स्थ, छह में तीन। तो इसका मतलब क्या है? टोटल में से ओनली 50% ऑक्यूपाई करता है। तो अब इसके बाद जो है 73 था ये, 73 के बाद आएगा 74। एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स LiCl क्रिस्टल्स। अगर आपने एफ सेंटर पढ़ा है, एफ सेंटर फॉर्बेन सेंटर पढ़ा है, कलर सेंटर्स पढ़े हैं, दैट इम्पार्ट कलर, तो वहां पे एफ सेंटर्स में लिखा है, जिसको हम फॉर्बेन सेंटर भी बोलते हैं या कलर सेंटर भी बोलते हैं, दे इम्पार्ट येलो कलर टू NaCl। द कलर रिजल्ट्स बाय एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिमिलरली एक्सेस ऑफ लिथियम मेक्स LiCl crystals pink, makes LiCl crystal, excess of lithium makes LiCl crystals pink, directly NCRT की लाइन उठा के यहाँ पे एग्जाम में थी। तो इसके बाद अब आएगा शाबाश 75, lithium crystallizes at as body centered cubic crystal, if the edge length if the length of the side of the unit cell, that is edge length again, तो A का value given है 350, then the minimum distance between two lithium atoms is, minimum distance is always 2R, मैंने बोला है क्योंकि minimum distance ओनली उन दो एटम्स में देखते हैं, दो विचार इन कॉन्टैक्ट, तो इनके बीच में एंगल मतलब टोटल डिस्टेंस जो होती है आर, इसकी आर इसकी, तो मिनिमम डिस्टेंस इज 2R। तो अगर आप लोगों को पता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ये BCC है, तो BCC में अगेन ये कॉर्नर वाला एटम, ये कॉर्नर वाला एटम, ये बॉडी सेंटर एटम, ये इन कॉन्टैक्ट होते हैं विद ईच अदर, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लिथियम एटम्स, तो ये एक ये दो, इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको मिनिमम डिस्टेंस बोलते हैं, ये आर ये आर। तो मैं बार बार बोलता था मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं 2R। तो मुझे अभी मैंने पढ़ा आर होता है अंडर रूट ऑफ 3/4a, तो 2R जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर आएगा? 2 अंडर रूट ऑफ 3/4a का वैल्यू है 350, तो 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 1s are 2 7s are 5s are, तो ये आएगा 175√3। डायरेक्टली इसने ऐसे ही रखा है, तो 175√3 इसका आंसर होगा। 76, a given metal crystallizes out with a cubic structure having an edge length of 360 picometer. If there is only one metal atom per unit cell, Z का वैल्यू गिवन है 1, ओनली मेटल एटम पर यूनिट सेल, Z का वैल्यू 1 किसके लिए होता है? सिंपल क्यूब के लिए होता है, तो इसका डायरेक्ट मतलब है 1 एटम पर यूनिट सेल, किसका मतलब है? ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको रेडियस निकालना है, तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 2R का वैल्यू होता है A, R का वैल्यू सीधे होता है A/2, तो A गिवन है 360 divided by 2, तो ये आएगा 180, so the answer will be 180 picometer. So the answer will be 180. तो इसमें सवाल में बस ये लैंग्वेज, अगर आप लोगों को इसी को आप कॉन्सेप्चुअल शायद बोलते हो, मुझे नहीं पता, there is only one metal atom per unit cell, तो अगर एक यूनिट में एक ही metal atom per unit cell है, इसका मतलब है कि ये structure कौन सा है? Simple cubic unit cell.
77. द एज लेंथ ऑफ ए रॉक साल्ट टाइप. रॉक साल्ट इज नथिंग बट NaCl. NaCl स्ट्रक्चर. शाबाश. टाइप यूनिट सेल इज 700 पिकोमीटर. एज लेंथ ए का वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है 700. एंड द रेडियस ऑफ द एनायन इज 230 पिकोमीटर. रेडियस ऑफ द एनायन इज 230 पिकोमीटर. देन द रेडियस ऑफ द कैटायन इज, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर एन ए पॉजिटिव प्लस आर सी एल नेगेटिव जो होता है वो होता है ए बाई टू, क्योंकि शाबाश एक फॉर्म करता है एफ सी सी एंड दूसरा होता है एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. तो अगर ये है कॉर्नर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर पे होता है, तो इसका मतलब क्या है? शाबाश. ऑक्टाहेड्रल वॉइड सीएल नेगेटिव फॉर्म्स एफसीसी. एनए पॉजिटिव होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे. ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है एज सेंटर पे, तो इस कॉर्नर पे और एक सीएल नेगेटिव होगा. तो रेडियस ऑफ कैटायन, तो ये है कैटायन सपोज एनए पॉजिटिव, ये है एनायन सीएल नेगेटिव. तो रेडियस ऑफ सीएल नेगेटिव प्लस रेडियस ऑफ एनए पॉजिटिव या रेडियस ऑफ सीएल नेगेटिव प्लस रेडियस ऑफ एनए पॉजिटिव वो होता है a by 2. तो इसका मतलब है अब आपको कैटायन गिवन है, कैटायन निकालना है. तो r na पॉजिटिव सपोज हम यहां कैटायन भी लिख सकते हो. अब मैंने na पॉजिटिव लिखा a by 2, तो वो आएगा 230 डिवाइडेड बाय 2, नहीं a by 2, a का वैल्यू गिवन है 700. तो 700 डिवाइडेड बाय 2 माइनस rcl नेगेटिव, तो जो गिवन है 230, तो ये आएगा 350 माइनस 230, तो 0, ये 2, ये 1, तो आंसर आएगा 120. 78. Frankel डिफेक्ट इज इन क्रिस्टल्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन. इस पे भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनता. तो मैंने स्टेटमेंट बेस्ड में आपको दो चीजों के बारे में पता चलता, लेकिन यहां पे आपको चार चीजों के ऑप्शंस में आपको चार चीजों के बारे में पता चल रहा है. तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से यही इंपॉर्टेंट है. अब इसी को मैं स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ऐसे बनाऊंगा, पहला ये लिखूंगा, दूसरा ये लिखूंगा, फिर नीचे लिखूंगा कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है. फ्रैंकल डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन. सबसे पहले फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है? दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड्स. द स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट. नॉर्मली कैटायन नॉर्मल साइट छोड़ के कहां पे आता है? इंटरस्टिशियल साइट पे. कहां पे आता है? इंटरस्ट. तो एन आयन लीव्स इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट. इसके बाद डेंसिटी इसकी सेम रहती है, वो आप लोगों ने देखा होगा. अनइक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, ये गलत है. इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, तो ये शॉर्ट के डिफेक्ट है. शाबाश. तो आप मैं डायरेक्टली यही लिखूंगा कि डायरेक्टली एन आयन लीव्स इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट. इसके बाद 79. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, शॉर्टकी भी स्टाइकियोमेट्रिक होता है, फ्रैंकल भी स्टाइकियोमेट्रिक होता है, क्योंकि ये स्टाइकियोमेट्री को ऑल्टर नहीं करते हैं. तो इसमें बचता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट. अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी जिंदगी में कभी खोली है तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहले ही लिखा है दिस डिफेक्ट्स. इसके बाद दीज डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सेकेंड है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. तो हमने मेटल एक्सेस लिखा है. सो द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80. मैग्नेटिक नेचर ऑफ कोबाल्ट, यही मैं बोल रहा था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. तो मैग्नेटिक नेचर ऑफ कोबाल्ट पे बोला गया है, क्या कोबाल्ट जो है डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक होता है. तो अगर आपने आंसर सीधे है फेरोमैग्नेटिक, तो आप देखोगे फ्यू सबस्टेंसेज लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, CrO2 आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड, एंड इनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस. सो इसका मतलब है कोबाल्ट कौन सा है? फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है. विच आयनिक कंपाउंड शोज बोथ शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट. ये हजार बार हर एक एग्जाम में सवाल आ चुका है, ये आप लोगों को डायरेक्टली भी पता होगा. द आंसर इज AgBr. NCRT ने लिखा है इट मे बी नोटेड दैट AgBr शोज बोथ फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट्स. क्राइटेरिया पता होगा कि शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है, फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है. हमारे पास टाइम कम है तो हम नेक्स्ट सवाल पे आ जाएंगे. इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट MR फॉर सॉलिड्स इज, या आर एमआरफस सॉलिड्स. तो एनसीआरटी पे एक टेबल दिए के है क्रिस्टलाइन एंड एमआरफस, तो मुझे एमआरफस पे आना है. दे हैव इरेगुलर शेप, दे हैव इरेगुलर शेप. पॉइंट नंबर वन इज इरेगुलर शेप, तो ये सही है लेकिन मुझे इनकरेक्ट बताना है.
तो यही स्टेटमेंट बेसड सवाल होते हैं. सेकंड इज दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर वाइल एज एमार्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. तो ये तो इनकरेक्ट है ही है. दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन. दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है. दे डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. तो एमार्फस सॉलिड्स की एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होती है. तो इसका मतलब है द आंसर इज बोथ 2 and 3. 83. ग्रेफाइट बिलोंग्स टू द. इस चीज को भी हम, अगर आप लोगों ने देखा होगा, इस लास्ट ईयर सवाल भी आया था, इस चीज को भी हम इग्नोर जनरली करते हैं सॉलिड स्टेट में. ग्रेफाइट बिलोंग्स टू द क्रिस्टल सिस्टम हैविंग क्रिस्टल डायमेंशंस एज. तो यहां पे ग्रेफाइट ढूंढो, तो ग्रेफाइट ये लिखा है. तो ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम. तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 degree. बट गामा इज नॉट इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल 90 degree, गामा इज नॉट इक्वल 90 degree, गामा इज इक्वल टू 120 degree. सो इसके साथ करेक्टली मैच होता है ये. ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम. तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की शबाश एज लेंथ, एज लेंथ्स एंड एक्सियल एंगल्स आप लोगों को पता है. शबाश. क्वेश्चन नंबर 84. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल थ्री डायमेंशनल ब्रेविस लैटिसेस इज 14. ये आपको पता है, ए फ्रेंच मैथमेटिशियन एनसीईआरटी की लाइन है. ब्रेविस शोड दैट देयर आर ओनली 14 पॉसिबल थ्री डायमेंशनल लैटिसेस. सो पॉसिबल थ्री डायमेंशनल लैटिसेस आर 13. Which of the following characteristic properties not associated with crystalline solids? Again, statement based sawal. So, not associated, sharp melting point. So, crystalline melt at sharp and characteristic temperature. So, inka melting point sharp hota hai. So, ye statement sahi hai, lekin not associated bol raha hai. So, not associated mein dusra hai, diffused and irregular edges. Diffused and irregular. When cut with a sharp edged tool, they split into two pieces and the newly generated surfaces are plain and smooth. So, unke edges irregular nahi hote hain. Unke edges plain and smooth hote hain. So, का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है. डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यस, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर यस. 86. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरोमैग्नेटिक फॉर फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस. फेरोमैग्नेटिज्म एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्टली पेज 30 पे. फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द डोमेन्स इन द सबस्टेंस आर अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शंस इन अनइक्वल नंबर्स. तो एनसीईआरटी पे ये डायग्राम आपको दिखेगी. तो एंटी पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डोमेन्स जो होते हैं वो अनइक्वल नंबर में होते हैं एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेज. तो मुझे डायरेक्टली एग्जाम्पल देखनी है. तो Fe3O4 जिसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस. उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, क्वेश्चन 87 था. नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 4 grams ऑफ एक्स, अच्छा सवाल था ये. विच क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी पैटर्न इज, एनए का वैल्यू मुझे देखे हैं. तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, तो मुझे गिवन है 4 grams. अगर आपको याद होगा 4 grams, तो मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स आएगा मास अपॉन मोलर मास, जो 40 दे के है, जो आएगा 1/10. मैं 1/10 को ऐसे ही रखूंगा. अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ एटम्स. तो नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो मुझे पता है, वो होगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए. तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा एन इंटू एन ए, तो वो आएगा 1/10 इंटू एन ए. तो 1/10 इंटू एन ए निकला नंबर ऑफ एटम्स. लेकिन मुझे नंबर ऑफ एटम्स नहीं निकालने हैं, मुझे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं. किस में? बीसीसी में. तो अगर आप लोगों को पता है कि अगर बीसीसी की यूनिट सेल एक होगी, तो उसमें जड़ का वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स कितना आता है? नंबर ऑफ एटम्स आता है 2. तो अगर मैं बोलूंगा कि अगर यूनिट सेल जो है, अगर यूनिट सेल्स फॉर एग्जांपल एन है, यूनिट सेल्स एन है, तो जड़ का वैल्यू जो आएगा, नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू आएगा 2n. लेकिन अब नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू मुझे आ गया 1/10 इंटू एन ए, किसके बराबर आएगा? 2n. तो 2n, जो n मैंने यूनिट सेल्स माना है, तो n का वैल्यू आ जाएगा सीधे 1/10 इंटू 2 इंटू एन ए, दैट इज 1/20 एन ए, या दैट इज एन ए बाई 20.
यानी कि मैंने क्या किया, मुझे मास गिवन था, मैंने मास से मोल्स निकाले, मोल से एटम्स निकाले। तो अब बीसीसी में अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल, एक बीसीसी यूनिट सेल है, उसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जड़ का वैल्यू होता है 2, दो यूनिट सेल होंगे तो जड़ का वैल्यू होगा 4, 10 यूनिट सेल्स होंगी तो जड़ का वैल्यू होगा 20, तो एट नंबर ऑफ एटम्स डबल होता है। तो वही मैंने बोला कि अगर यूनिट सेल्स है एन, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा 2n, तो नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू मुझे निकला है 1/10 × Na, जो 2n है, तो n का वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, आ जाएगा 1/20 Na, सो द आंसर इज Na/20। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन FCCs, तो लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स NCERT लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लिखा है, ये पैरा आप पढ़ोगे पेज नंबर 19 पे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते कहाँ कहाँ पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो सबसे पहले एज सेंटर पे होते हैं, एज सेंटर पे होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मतलब सबसे पहले एज सेंटर पे होते हैं, एंड देर इज वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट ईच ऑफ द 12 एज्स, इट इज सराउंडेड बाई 6 एटम्स, 4 बिलोंगिंग। तो सबसे पहले मुझे पता है शबाश लोकेशन ऑफ द एज्स, एक तो होता है एज सेंटर पे, एंड सेकेंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो बॉडी सेंटर पे होता है। तो मुझे पता है एज्स टोटल 12 होती है, और एक एज का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/4 × 12, तो एक होता है बॉडी सेंटर पे, तो 4 × 1 = 4, 3 = 3, तो 3+1, तो FCC में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, एक FCC यूनिट सेल में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ एटम्स भी 4 होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4 होते हैं। तभी तो हम बोलते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी इज एन, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज आल्सो एन, क्योंकि एक FCC में चार, एक FCC यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं, तो 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं। वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो वो होते हैं शाबाश कहाँ पे, एक होता है मतलब बीच में बॉडी सेंटर पे, और बाकी सारे कहाँ पे, ऑल द 12 एज सेंटर्स पे एक एक होता है। सो द आंसर इज एज सेंटर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर, सो द आंसर इज बोथ 2 and 3। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है तो हम बोलते हैं हर एक बॉडी डायगोनल पे एट अ डिस्टेंस ऑफ √3/4a जो होता है वो क्या होता है, वो होता है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको बोलेंगे, भूल जाएंगे, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2-2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं 8। तो इसके बाद जो है यह है क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 89, इन HCP विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, शबाश रिप्रेजेंट्स मतलब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट। तो आपको पता है अगर आप 3-dimensional क्लोज पैकिंग की बात करोगे, 3-dimensional क्लोज पैकिंग में हम यूज कर सकते हैं 2-dimensional स्क्वायर क्लोज पैकिंग या 2-dimensional hexagonal क्लोज पैकिंग। तो अगर हम 2-dimensional hexagonal क्लोज पैकिंग यूज करेंगे तो उसमें प्लेसिंग सेकेंड लेयर और द फर्स्ट से बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, प्लेसिंग थर्ड लेयर और द सेकेंड, वहां से बनते हैं दो स्ट्रक्चर, एक बनता है FCC, दूसरा बनता है HCP। तो ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट से बनता है FCC, AB अरेंजमेंट से बनता है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 3-dimensional हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो प्लेसिंग थर्ड लेयर और द सेकंड, व्हेन द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड और द सेकंड, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट वन इज कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिस, तो लास्ट में यहां पे लिखा है ABAB पैटर्न, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकड स्ट्रक्चर। तो ऊपर वही बोल रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकड स्ट्रक्चर में कौन सा अरेंजमेंट होता है, ABAB type of arrangement. Moving on to the last one, molecular solid cells. ये भी वो topic of solid state है जिसको हम generally क्या करते हैं, ignore करते हैं। तो इस paper में maximum वो part था जो part हम generally छोड़ते हैं, जो हमें लगता है कि ये important नहीं है, बाकी तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन इस paper से आपको वो वाला part revise होगा जिस part को आप generally skip करते हो। तो उसमें से एक ये है molecular solid, इनमें से कौन कौन सा है, तो table 1.2 जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में तीन टाइप उसने लिखे हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो उसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, इसमें एग्जांपल्स देख लो, अर्गॉन भी है, CCl4, H2, I2, CO2, HCl, SO2। तो क्या अर्गॉन है, हाँ शबाश, क्या आइस है, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड में, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में आइस आता है, क्या H2 है, हाँ, तो तीनों इस टेबल में देखे है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। चलो थैंक यू, नेक्स्ट टेस्ट में अब मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ इजो कारण बाकी सहल।